Social conflict. In this session, we are going to understand the concept of social conflict under the perspective of Lewis A. Kozer. Conflict theory is a functional social system according to Kozer's standpoint. Because conflict in a society, according to him, don't just have a bad purpose, conflict, on the other hand, might have a कंस्ट्रकटि इम्पेक्ट ऑन द्रंट सोशल ऑर्डर कोजर की फ़िलासफी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके बकौल के ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये माशरे के अंदर इसका कोई बैड परपज़ हो अब आम तौर पर कुछ टर्म्स कुछ टर्मिनोलोजीज़ ऐसी होती हैं या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही हम एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ ही समझते रहे हैं लेकिन कोजर की फिलॉसफी में ख़ास तौर पर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये पर्सपेक्टिव है कि ये इसका जो सोशल ऑर्डर जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर होता है माशरा जिस सिस्टम के साथ जिस तरतीब के साथ चल रहा है हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट के राइज होने से मुशरे के अंदर उस सोशल ऑर्डर के अंदर ऐसी मस्बत तब्दीली आ जाए कि वो पॉजिटिव कंसिडर हो हम देखते हैं बहुत सारे माशरों के अंदर जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही होती है जहाँ पर क्लास सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है या कुछ खास एलिमेंट्स कुछ खास ग्रो जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल समझे जाते हैं और उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक सिस्टम रन हो रहा होता है अब अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी ख़ास ग्रुप या अदारे की तरफ से रेजिस्टेंस आ जाए यानी उस एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज कर दिया जाए तो इस सूरत हाल के तौर पर यह भी हो सकता है उसका आउटकम ये भी हो सकता है कि उस सोशल ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाएं कि महज एक ग्रुप की बजाय कुछ लोगों की बजाय माशरे के अंदर ज़्यादा लोगों को अक्सरियत को सिस्टम में निज़ाम में हिस्सा मिलना शुरू हो जाए तो यकीन फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसका आउटकम मस्बत समझा जाएगा कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू कोजर इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट डज़ नॉट नीड टू बी अवॉइडेड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग परस्पेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है ये भी तो इंटरेक्शन की एक शक्ल है कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट हैव टू बी डैमेजिंग और डिसफंक्शनल फॉर द सिस्टम इन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोज़र, बिकॉज कन्फ्रंटेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स अगेन हमें यहाँ पर एक पॉइंट को जहन में रखना है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा मस्बत भी हो सकता है हाँ मनफी भी हो सकता है इससे इनकार नहीं है लेकिन वो ये देखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक कॉन्फ्लिक्ट का जो आउटकम है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है उसका इम्पेक्ट कहाँ कहाँ तक जा रहा है बिकॉज ही पॉइंट्स आउट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज फ़िलोसफी कॉन्फ्लिक्ट इज़ डिफाइंड एज डिस अबाउट वैल्यूज़ और डिमांड्स रिलेटिंग टू पावर प्रस्टीज एंड मनी सोर्सेज विद इन सप्लाई अब यहाँ जो डेफिनेशन है कॉन्फ्लिक्ट की असल में अगर हम उसको समझ लें तो हमें सारे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम कॉन्फ्लिक्ट को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्यों देखना या समझना चाह रहे हैं डिसग्रीमेंट अबाउट वैल्यूज़ और डिमांड्स रिलेटिंग टू पावर हर मॉशरे के अंदर एक पावर स्ट्रक्चर होता है प्रस्टीज के लिए भी कि कुछ लोग जो हैं उनको उनके साथ खास ट्रीटमेंट किया जाता है उनका स्टेटस जो है दूसरों सेलहदा होता है और कभी कभी जो आमदनी के ज़रा होते हैं जो आमदनी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो पैसे की सर्कुलेशन होती है वो भी ऐसी नहीं होती कि लोग उससे मुतमिन हो यही बुनियादी पावर प्रस्टीज एंड इनकम ये वो लेयर्स होती हैं जिन पर आमतौर पर मुशरे में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज करता है तो कोजर के बकौल अगर ये डिसग्रीमेंट होगा तो इसको सेटल डाउन करने के लिए अगर आपस में कुछ तनाव हो और उसके बाद इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो यकीन ये सूरत हाल जो है वो मस्बत भी हो सकती है बिकॉज़ आमतौर पर इंडिविजुल्स के दरमियान कोलेक्टिव जो ग्रुप्स होते हैं लोगों के दरमियान इन सब के अंदर जो हैं वो तनाव होता है और इसी को ही थेरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का नाम जो है वो दिया गया है और कोजर के बकौल जो तनाव की कैफियत है वो वो कभी कभार इंटरनल सॉलिडारिटी या इंटरनल जो इनर जो ग्रुप्स होते हैं उनको इंटेग्रेट भी कर देती है बाद जो ग्रुप्स के दरमियान सूरत हाल होती है उसके लिए बेहतरी आ जाती है और कई दफ़ा जो टॉलरेंस लेवल जो होता है उसको भी तब्दीली मस्बत तब्दीली आ जाती है लोग पहले शुरू में आपस में ज़्यादा आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं लेकिन फिर सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाती है और कई दफ़ा ऐसी भी सूरत हाल हो जाती है कि आल्टरनेटिव सिचुएशंस राइज करती हैं और उन आल्टरनेटिवस के नतीजे के तौर पर वो कॉन्फ्लिक्ट जो पहले हमें लगता है कि वो खराबी की तरफ़ जा रहा है लेकिन फिर वही कॉन्फ्लिक्ट जो है माशरे के अंदर बहुत सी मस्बत तब्दीलियों की एक वजह बनकर तमाम सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने का एक ज़रिया बन जाता है